यह कहानी नमक का दरोगा श्री प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। इसमें जब नमक लगाने पर रोक लगी थी तब की घटना का वर्णन किया गया है। सरकार ने एक नया विभाग बना दिया था जिसका नाम था नमक विभाग। इसके दरोगा पद को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाने लगा। बड़े बड़े वकील इस पद के लिए लालायित रहते थे। उन दिनों फारसी में दो एक प्रेम कथाएं कहने वाले को भी जल्दी से अफसरी मिल जाया करती थी। बाबू बंसीधर भी लैला मजनू फरहाद आदि के प्रेम वृतांत सुनाकर रोजगार ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। उनके पिताजी ने उन्हें हिदायत दे रखी थी कि नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपर की आय खूब हो, यानी कि रिश्वत की कमाई बहुत ज़्यादा मिले, क्योंकि उनके अनुसार मासिक आय तो पूर्णमासी का चांद है जो घटते घटते लुप्त हो जाती है, परंतु ऊपर की आमदनी बहता हुआ स्रोत है जिससे हमेशा प्यास बुझती रहती है। इस उपदेश को पाकर के बंसीधर बाबू नौकरी पर निकल चलते हैं। सौभाग्य से उन्हें नमक के दरोगा होने का शुभ अवसर मिल जाता है। यह बात सुनते ही उनके स्वजनों के हृदय में खुशी और पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगते हैं। जाड़े की एक रात मुंशी वंशीधर को अभी यहाँ यमुना के पुल पर आए 6 महीने से ज़्यादा नहीं हुए थे। उन्होंने अपना कार्य जल्दी ही कुशलता से और अपने आचार व्यवहार की कुशलता से अपने अफसरों का मन मोह लिया था। दरोगा जी की नींद अचानक पुल की गाड़ियों की आवाज़ सुनकर खुल जाती है और वे हड़बड़ाकर उठ बैठते हैं। बाहर आकर देखते हैं तो गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के बाहर जा रही होती है। उन्होंने डांटकर पूछा, ये गाड़ियाँ किसकी हैं? थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा। पता चला कि पंडित अलोपी दीन की हैं। पंडित अलोपी दीन ये कौन है? उस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी हैं ये। उनका अंग्रेजों के साथ उठना बैठना अच्छा था। उन्होंने पता लगाया कि उन गाड़ियों में नमक ले जाया जा रहा है। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर अर्धसुप्त अवस्था में चले जा रहे थे कि उन्हें समाचार मिला, दरोगा जी ने गाड़ियां रोक दी हैं और वे घाट पर आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपी दीन को लक्ष्मी की शक्ति पर पूरा भरोसा था। वे मानते थे कि न्याय और नीति तो लक्ष्मी के खिलौने हैं, अतः निश्चित होकर वो दरोगा जी के पास जाते हैं और कहते हैं, हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि होनी चाहिए साहेब। बंसीधर ने सरकारी हुक्म की चेतावनी बताई। अलोपी दीन ने रिश्वत की पेशकश कर दी, लेकिन वंशीधर बाबू पर रिश्वत का कोई असर नहीं पड़ा और वह बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, और उन्हें हिरासत में ले लिया। दरोगा ने बदलू सिंह को सेठ जी को हिरासत में लेने का हुक्म सुनाया, किंतु अलोपी दीन के प्रभाव के कारण उसने उसे छुआ भी नहीं। अलोपी दीन भौचक्के रह गए। उन्होंने आज तक धन को धर्म के आगे हारते नहीं देखा था, अतः वे उसके सामने गिड़गिड़ाए, दया की गुहार की, फिर भी वंशीधर पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। सेठ जी ने 1000 रुपये तत्काल देने की बात कही। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते हैं। सेठ जी ने रिश्वत की राशि 5, 10, 15, 20, 30 सब 40,000 तक बढ़ा दी, किंतु वंशीधर का ईमान डगमगाया भी नहीं। सेठ जी ने दया याचना भी की, किंतु हिरासत के आदेश दे दिए गए। अगले दिन दुनिया ने सुना तो खूब बातें होने लगी। पंडित जी के व्यवहार की निंदा हुई। बेईमान और भ्रष्टाचारी अफसरों ने भी उन पर टीका टिप्पणी की। जब गर्दन झुकाए
अलौपी दिन अदालत में पहुंचे तो मानव सारा शहर उन्हें इस हालत में देखने के लिए उमड़ पड़ा। अदालत में पहुंचते ही उनकी हालत और भी खराब हो गई। यहाँ के सभी कर्मचारी उनके बिना दाम के गुलाम थे। सभी उनके हाथों बिके हुए थे। फट से हलचल और भागा दौड़ी शुरू हो गई। वकीलों की टोली ने मिलकर उन्हें बचाने के लिए सभी दांव पेच खेले। इधर वंशीधर के पास सत्य और साफ भाषण के अलावा कोई भी अस्त्र या व्यक्ति साथ नहीं था। परिणाम स्वरूप पक्षपात की ओर झुका हुआ न्यायालय सेठ जी के चरणों में झुक गया। डिप्टी मैजिस्ट्रेट ने यह लिखकर दिया कि पंडित अलोपीदीन बहुत बड़े आदमी हैं और वे धन के लालच में इतना छोटा काम नहीं कर सकते हैं। वंशीधर की नमक हलाली ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, अतः उन्हें सावधान रहना चाहिए। यह फैसला सुनकर वकील उछल पड़े और अलोपीदीन बड़ी विजय की मुस्कुराहट के साथ बाहर चले गए, जबकि वंशीधर को समाज ने जी भर कर अपमानित किया। वंशीधर को जीवन का यह खेदजनक अनुभव हुआ कि कोई भी सत्य के लिए समर्पित होने को तैयार नहीं है। ये बड़ी बड़ी उपाधियां, ढीले ढाले चौगे सब निरादर के योग्य हैं। एक सप्ताह के बाद वंशीधर को नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। घर वालों ने यह समाचार सुना तो अपना माथा पीट लिया। पिता तो बहुत क्रुद्ध हुए, माँ और पत्नी ने भी नाराजगी व्यक्त की। एक सप्ताह बाद सेठ अलोपीदीन वंशीधर के घर पहुँचे। उन्हें आया देखकर वंशीधर के पिता अपनी बदकिस्मती और बेटे की मूर्खता का रोने लगे। किंतु अलोपीदीन ने उन्हें चौंकाते हुए कहा, आपका बेटा कुल तिलक है, ऐसे धर्मपरायण मनुष्यों पर तो सर्वस्व अर्पण किया जा सकता है। उन्होंने वंशीधर से कहा, आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में चला आया हूँ। मैंने इस दुनिया में सबको खरीद कर गुलाम बना लिया, लेकिन मुझे परास्त किया तो केवल आपने। मैं आपके सम्मुख एक विनय लेकर आया हूँ। यहाँ अलोपीदीन खुद आते हैं इसके पास, वंशीधर के पास। सेठ जी के हृदय की विशालता और गुण ग्राहकता देखकर वंशीधर बाबू पिघल गए। सेठ जी ने वंशीधर के सामने प्रस्ताव रखा कि वह उसकी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर पद स्वीकार कर ले। उसे 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना का खर्च, सवारी के घोड़े, बंगला, नौकर चाकर सब मुफ्त दिए जाएंगे। यह प्रस्ताव सुनकर वंशीधर ने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न अनुभव है जो इन सब त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े ही अनुभवी मनुष्य की जरूरत होनी चाहिए, यानी कि मैं ये सब काम के योग्य नहीं हूँ। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकालकर वंशीधर के हाथों में देकर कहा, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय मैं खूब पा चुका हूँ। आप सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें कृतज्ञता से डबडबा आई और उन्होंने नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए।